Hello, my dear friend. Myself Umesh Yadav. Welcome to Banking Career. Banking Career YouTube channel में आपका स्वागत है. My dear friend, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो RRB JEE notification आई है 2018-19 का. इसमें total post 14,033 post है friend. आप में से भी जितने भी student हैं जो RRB में railway में नौकरी लेने का सपना देखते हैं उनके लिए काफी खुशखबरी है. 2019 के शुरुआत में ही एक अच्छा आपके लिए खुशखबरी है. तो फ्रेंड इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि इसके लिए जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, एज लिमिट क्या है, इसका डेट कब आप फॉर्म भर सकते हैं. इम्पोर्टेंट है फ्रेंड एग्जाम इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है और इसमें पेमेंट क्या है. तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है RRB JEE से रिलेटेड मैं आपको बता दूंगा. ओके फ्रेंड, फ्रेंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज मेरे चैनल बैंकिंग करियर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए. अगर आप बैंकिंग SSC रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको काफी यहाँ से बेनिफिट मिलेगा. और फ्रेंड इस वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि इसका रैंकिंग हो और मुझे भी अच्छा लगे वीडियो बनाने के लिए. फ्रेंड मैं JEE के लिए मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पर, तो आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा. ओके फ्रेंड, तो देखते हैं फ्रेंड किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है. तो फ्रेंड इसमें जूनियर इंजीनियर के लिए टोटल 13,034 पोस्ट है. जूनियर इंजीनियर के लिए मैं बताऊंगा इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है आगे, और इसमें इसमें कौन कौन से इंजीनियर भर सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा. उसके बाद जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी में कम सीट है, 49 है. ओके फ्रेंड, उसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट यानी DMS उसमें 456 पोस्ट है. नेक्स्ट वन केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, इसमें 494 पोस्ट है. टोटल पोस्ट 14,033 पोस्ट है फ्रेंड. ओके फ्रेंड, इसका जो क्लोजिंग डेट है और पेमेंट का एप्लीकेशन का पेमेंट डेट है वो कब तक है फ्रेंड? तो ये स्टार्ट हो रहा है 2 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो रहा है, और आपको फाइनल आपका जो सबमिशन है वो आपको 31 जनवरी तक आपको करना पड़ेगा. ठीक है, यानी 2 जनवरी से आपको स्टार्ट होगा नए साल में, और आपको 31 दिसंबर तक आपको जनवरी तक आपको इसको फॉर्म का जो सबमिशन है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. बाकी ऑनलाइन पेमेंट आप 5/2 तक कर सकते हैं, SBI चलान 4/2 तक कर सकते हैं, और पोस्ट चलान करते हैं तो 4/2 तक कर सकते हैं, और फाइनल सबमिशन जो है फॉर्म का वो आपको 7/2/2019 तक आप कर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो आपको डेट आपको ध्यान में रखना है. फ्रेंड इसमें इंपॉर्टेंट है इसमें एज लिमिट क्या है. तो कैंडिडेट मिनिमम उनका 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम उनको 33 ईयर होना चाहिए. ठीक है फ्रेंड, और जो आप जो बाकी OBC के SC ST के जो कैंडिडेट हैं PWD उनको जो एज पर गवर्नमेंट के जो नॉर्म है उसके अनुसार से उनको छूट मिलेगा. जैसे OBC के लिए 3 ईयर्स की मिलती है, SC ST के लिए 5 ईयर्स की मिलती है, तो वो मिलेंगे इनमें. ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान में रखना है. देखिए फ्रेंड, अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए. तो जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए डिप्लोमा या डिग्री आपका होना चाहिए. आप कोई भी डिसिप्लिन से डिप्लोमा या डिग्री हो तो आपको ये फॉर्म भर सकते हैं. और फ्रेंड काफी इम्पोर्टेंट है, जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं छोटे मोटे पेमेंट पर, वो उनके लिए काफी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है. 2019 के बिगिनिंग में एक अच्छा जॉब पाने के लिए एक प्रेस्टिजियस जॉब है जो RRB रेलवे रिक्रूटमेंट होती है, एक प्रेस्टिजियस जॉब होती है फ्रेंड. उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हैं उनके लिए क्या ये है, तो PGDCA यानी BSc कंप्यूटर साइंस से किए हो तो भर सकते हैं, BCA BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BTech कंप्यूटर साइंस से किए तो भी भर सकते हैं. उसके बाद DOE ACC B लेवल कोर्सेस 3 ईयर ड्यूरेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, तो वो भी भर सकते हैं. ठीक है फ्रेंड, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये डिप्लोमा और डिग्री इंजीनियरिंग का होना चाहिए, वो फॉर्म भर सकते हैं. उसके बाद केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट, उसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 45% मार्क्स, मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए. यानी आपको बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो 45% आपको मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं केमिकल एंड मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए. तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको ध्यान में रखने हैं. उसके बाद फ्रेंड हम देखते हैं एग्जाम फीस की कितनी है. तो OBC एंड जनरल स्टूडेंट है उनके लिए 500 रुपीज है, और ये जो 500 रुपीज है उसमें से आपको 400 रुपीज वापस हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT
यानी सीबीटी क्या है फ्रेंड, आगे मैं बताऊंगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है फ्रेंड। जो एससी एसटी एंड एक सर्विस पीडब्ल्यूडी फीमेल एंड ट्रांसजेंडर एंड माइनॉरिटी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको 250 रुपीज लगेगा और ये 250 रुपीज पूरी तरह से उनको रिफंड हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीडीटी, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी इनके लिए कोई भी फी नहीं लगेगा, आप ऐसे समझो। ओके फ्रेंड, ये तो सब हो गई, आगे देखते हैं फ्रेंड इसकी एग्जाम जो होगी वो कितने स्टेज में होगी। तो पहले एग्जाम होती थी फ्रेंड, वो सिर्फ आपको एक ही एग्जाम होती थी, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें इस बार आपको नया इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें 4 स्टेज होगा फ्रेंड। फर्स्ट स्टेज क्या होगा, सीबीडीटी, यानी सीबीडीटी होता है कंप्यूटर, नोट में लिख दिया हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको फर्स्ट स्टेज होगा, आप पास करते हो। फिर सेकेंड स्टेज होगा सीबीडीटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको इंट्रोड्यूस किया गया, सेकेंड स्टेज फर्स्ट टाइम हुआ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन मेडिकल होगा। तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड, सीबीडीटी क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ओके फ्रेंड, अब इसका पेमेंट कितना है फ्रेंड, पेमेंट जो है फ्रेंड लेवल 6 पे 6 सीपीसी पे मैट्रिक्स के अनुसार से आपका जो पेमेंट है 35,400 इनिशियली होगा, प्लस जो भी आपको एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलते हैं वो आपको मिलेगा, यानी आपको ऐसा समझ लो कि 50 से 55 के बीच में आपको टोटल पेमेंट मिलेंगे, तो काफी अच्छा पेमेंट है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो ये तो डिटेल रहे। अब फ्रेंड अब बात करते हैं कि कौन से जोन में कितने पोस्ट आई है। तो फ्रेंड अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आई, अभी टोटल पोस्ट आई है अभी आरआरबी की तरफ से, अभी इसका नोटिफिकेशन अब इसी बाद में जारी किया जाएगा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कौन कौन से जोन में आपको कितने सारे वैकेंसी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जोन है, आप यहाँ देख सकते हैं, आप जिस जोन से अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट अभी तक जो भी इंडिविजुअल जो पोस्ट है जोन वाइज नहीं आया है, अभी अपने जो रेलवे बोर्ड है उसके वेबसाइट पर कुछ दिनों के अंदर में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप फ्रेंड आपको जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे मेल कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप मेल करने के लिए bankingcareer11@gmail.com पर कर सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे जो भी आपका डाउट है, जो भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन पूछना है आप इस वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, जो भी इसकी सिलेबस है, जो भी पैटर्न है, मैं आपको अपने चैनल को प्रोवाइड करते रहूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।